शाहरुख खान हिंदी फिल्मों के अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता और टेलीविजन पर्सनैलिटी भी हैं। उन्हें लोग प्यार से बॉलीवुड का बादशाह, किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग खान और किंग ऑफ रोमांस भी कहते हैं। वे लगभग सभी शैलियों की फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनके प्रशंसकों की संख्या भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ज्यादा है। उनके खाते में 14 फिल्म फेयर अवार्ड हैं। लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में उनकी वैक्स की मूर्ति भी स्थापित है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद खान है। उनके पिता पेशावर पाकिस्तान से थे। उनकी मां का नाम लतीफ फातिमा है। उनके पिता पठानी है और मां हैदराबादी हैं। शाहरुख एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनके प्रशंसक हर उम्र और हर वर्ग के लोग हैं। खासकर लड़कियां उनकी काफी दीवानी हैं। शाहरुख ने गौरी से शादी की है जो हिंदू पंजाबी परिवार से आती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अब्राम। शाहरुख के करियर की शुरुआत टेलीविजन से हुई थी। दिल दरिया, फौजी, सकस जैसे सीरियल से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म दीवाना से हुई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था। उस समय ये फिल्म सुपरहिट हुई और इसी फिल्म ने शाहरुख को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। इसके बाद शाहरुख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए। किंग खान की उपाधि से मशहूर हुए शाहरुख हीरो के रोल के साथ विलेन के रोल में भी काफी लोकप्रिय हुए। बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्मों में एक्टर ने खलनायक बन सभी को हिला डाला था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यशराज बैनर तले बनी इस फिल्म ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। किंग खान ने बाद में लगातार कई जबरदस्त फिल्में दी है। साल 2018 के सीधा 4 साल बाद 2023 में फिल्म पठान और जवान जैसी डबल ब्लॉकबस्टर फिल्मों से एक बार फिर अपना धमाकेदार कमबैक किया है। शाहरुख ने दीवाना, बाजीगर, डर, कभी हाँ कभी ना, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यस बॉस, परदेस, दिल तो पागल है, दिल से कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, देवदास, कल हो ना हो, मैं हूँ ना, वीर जारा, डॉन, चक दे इंडिया, ओम शांति ओम, रब ने बना दी जोड़ी, माय नेम इज खान, डॉन 2, जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, पठान और जवान जैसी प्रसिद्ध फिल्मों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है।